हेलो मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पो कैसे हो आप लोग। गोलगप्पे मैंने दोनों लोगों को कहा, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, क्योंकि दोनों को पसंद होते हैं, है ना मुझे तो पसंद है और मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है। खैर मजाक की बात थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं भारत और विश्व में प्रथम, फर्स्ट 2021 और 2022 में। प्रथम का मतलब क्या है? जैसे कि किसी माउंटेन पे कोई पहली बार चढ़ा है, या कोई म्यूजियम प्रथम है, पहली पहला है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ें हम आज करने वाले हैं। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए। आप लोग खुद एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें जो एग्ज़ाम में हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज हम इनको ही कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पता है ना क्या करना है? नहीं करना? चलो छोड़ो, हटाओ, मन करेगा तो कर लेना यार। क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। खैर छोड़िए, आपकी मर्जी। आगे देखते हैं क्या। पहला पहला है भारत का पहला अलकोल म्यूजियम। भारत का पहला अलकोल म्यूजियम कहाँ है? तो ये है गोवा में। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? डीएनए वैक्सीन, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन पूछेगा तो अलग है, लेकिन कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है आपका इंडिया, यानी हमारा भारत। आगे है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्ची, यानी कि केरल। उसके बाद है भारत का पहला हेली हब। भारत का पहला हेली हब कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम, ठीक, क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम आपसे पूछ रहा है, भारत में निजी तौर पर निर्मित, ठीक है, तो वो कौन सा है? धवन वन। कौन सा है? धवन वन। आगे देखिए, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है जापान। आगे है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुफ्त गांव, मुक्त गांव, सॉरी, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो वो बना है कुंबलांगी गांव, केरल। कौन सा? कुंबलांगी गांव, केरल। आगे है भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक, तो वो है तंजावुर, तमिलनाडु में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे आप, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये 100% पूछी जाने वाली है। ये आपसे पीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, ठीक है, और ये जो आपका सुपर टेट है, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, यूपी टेट है, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें जीएस और करेंट के अंतर्गत क्या है पूछी जा सकती हैं। भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सी है? ठीक, भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का नाम क्या है? ओहो, ऊपर चला गया, एक सेकेंड। ओमिश्योर, क्या नाम है? ओमिश्योर। उसके बाद है भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य दोनों कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, एचपी। उसके बाद है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम। क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम। और क्रिप्टो करेंसी पे ये जो बजट आया है उसमें कितने परसेंट टैक्स की बात की गई है? बजट जो है वो जो है ये मैं आप लोगों को चैनल पे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। हालांकि ये बजट पहले आ चुका है, बहुत सारे लोग आप लोग देख भी चुके होंगे, तो अगर आपने देखा है तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कितने परसेंट है क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स, कितने परसेंट लगेगा, ये आपको बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर मुझे चाहिए। तो इस इंडेक्स का नाम क्या है? IC15। क्या नाम है? IC15। आगे है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? रुद्र, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। और ये CDAC के द्वारा निर्मित है, CDAC, DAC, ठीक है, CDAC के द्वारा निर्मित है ये। कौन सा? रुद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है ये। आगे देखिए, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन।
भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर, सिरोरा गांव गाजियाबाद। उसके बाद है ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। ठीक, बाल विवाह मुक्त जिला अभी भी होते हैं, आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर बाल विवाह होते हैं। तो बताइए कौन सा है ये, गंजाम जिला ओडिशा। ठीक, आगे है भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला, कि भांग की खेती क्या है, वैध है, इसको घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। आगे है दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, दालचीनी, दालचीनी आप सब्जी बनाते समय डालते हो ना, चाय में भी डालते हो गए आप डेफिनेटली, बहुत अच्छी लगती है चाय इसकी, बनाकर देखिएगा दालचीनी वाली चाय। तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, भारत का पहला डुंडारू संरक्षण रिजर्व, डुंडांग संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। आगे है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। आगे है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश, मतलब कि 4.5 दिन आपको काम करना है, बाकी दिन आप आराम से रेस्ट करो, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सैटरडे तक हम काम करते हैं, संडे हमें रेस्ट मिलता है, ठीक है, संडे की छुट्टी होती है, वहाँ पर क्या है 4.5 दिन आपको काम करना है, 4.5 दिन कार्य वाला सप्ताह वाला कौन सा ऐसा देश है, पहला देश है, तो UAE है। कौन सा है, UAE है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है, असम में है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है, केरल में, कहाँ है, केरल में। ठीक है, आगे है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। ठीक, यहाँ पर जो है वो आपको मतलब जो बहुत समय के, पुराने समय के जो रॉक हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, आगे है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, चूँकि पहला है और कागज रहित पेपरलेस जो है वो हाई कोर्ट कौन सा बना है, तो केरल हाई कोर्ट, पेपरलेस से याद आया। एक क्वेश्चन और आपके लिए, कमेंट में आंसर चाहिए, क्वेश्चन ये है कि जो पेपरलेस बजट है, ठीक, निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार पेपरलेस बजट किस ईयर में पेश किया है, ये आपको बताना है। बजट से मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं तो फिर मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगी। तो कब, किस ईयर में पहला पेपरलेस बजट उन्होंने पेश किया था, ये आपको बताना है। और भारत का पहला कागज रहित पेपरलेस जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, वो है केरल उच्च न्यायालय। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है, 100% पेपरलेस मीन्स को हर काम क्या होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा, मीन्स पेपर का यूज़ नहीं होगा, तो वो ऐसा कौन सा देश है, दुबई है। आगे देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पर दर्ज किया गया, तो ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है वो दक्षिण अफ्रीका में दर्ज किया गया। ठीक, और ओमिक्रॉन से होने वाली पहली जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई, पहली डेथ जो है वो कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई। और भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पर दर्ज किया गया, तो कर्नाटक में। ठीक है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, इंदौर, कहाँ पर है, एमपी में। आगे देखिए, भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजीज़ वाले पार्ट्स में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, साइंस एंड टेक और साइंस में भी ये क्वेश्चन करंट से जोड़कर पूछा जा सकता है कि भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कौन सा है, लक्षद्वीप है। आगे देखिए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कौन सा, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कौन सा है, रानीखेत उत्तराखंड में है। आगे देखिए, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ है, लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में, कहाँ पर है, एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। आगे है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है, कांडला गुजरात में।
भारत का पहला ग्रेन यानी अनाज एटीएम आपने सुना होगा न्यूज़ में, अभी था कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। ग्रेन एटीएम अनाज का मीन्स ग्रेन का जो एटीएम है पहला देश का, वो कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बोल रही हूँ, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, इसको सीरियसली लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। आगे देखिए, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ है, भारत की, तो इंडिया की जो पहली शतरंज अकादमी है वो कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पर है, सिंगापुर में है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू हुई कहाँ, नोएडा से फिल्म सिटी। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई कहाँ, नोएडा से फिल्म सिटी। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा, पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है, विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बाड़मेर राजस्थान में। देश भारत का मीन्स देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में, कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय पुणे में है, मीन्स शिवाजी नगर पुणे में। आगे है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है, रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ है, भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ है, भुवनेश्वर में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग, सुरंग तो आपने देखी सुनी होगी लेकिन जलमग्न, ठीक, जलमग्न सुरंग कौन सी है, भारत की पहली, कहाँ पर है, वो है मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, देखिए दो तरह के क्वेश्चन है। पहला जो कि मैंने आपसे पूछा है कि पेपरलेस बजट जो है वो निर्मला सीतारमण ने सबसे पहली बार किस ईयर में पेश किया है ये, और दूसरा जो है पेपरलेस बजट के पेश करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अपना उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक, यानी यूपी जो है वो पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप, कौन सा है, गोवा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है गोवा। आगे देखिए, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा, अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में। आगे देखते हैं, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है कहाँ पर, कहाँ पर पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, तो आपकी आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक। अटलांटिक महासागर पार करके दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसमें आपको बताना है कि एक सेकंड कहाँ चला गया, ये रहा, पहला मानव रहित पोत, नाम बताइए, मे फ्लोवर 400, कौन सा है, मे फ्लोवर 400। आगे है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ है, डेनमार्क में हुआ है। आगे है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन, सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, सिनोन दक्षिण कोरिया में, कहाँ पर, सिनोन दक्षिण कोरिया में। आगे है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, पुगा गांव लेह लद्दाख में, ठीक है, मतलब पुगा गांव में, पूछ सकता है आपसे या फिर आपको ऑप्शन में लेह या लद्दाख भी दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला अपंग यानी एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ है, अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ है, चंडीगढ़ में है। आगे है, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश, 10 लाख की, वाव मतलब आप सोचिए अगर एक करेंसी खोई
10 लाख वाली, तो कितना गया समझ सकते हैं ना। खैर चलिए, तो कौन सा देश है भैया जिसने 10 लाख की करेंसी जारी की है? वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला ने 10 लाख की करेंसी जारी की है और ये पहला देश बन गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क, देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई? नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई? चंडीगढ़ से हिसार। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया? ये है जम्मूई बिहार। ठीक, आगे है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, इंडोर स्की पार्क कहाँ पर है? कुफरी हिमाचल प्रदेश में, भारत का पहला है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ हुई कहाँ पर? ड्राइवर रहित मेट्रो दिल्ली में, ध्यान रखोगे आप। आगे है भारत में पहला उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वोटर पार्क स्थापित हुआ कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला टायर पार्क स्थापित हुआ है कहाँ पर? भारत का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ है। 100% जैविक क्षेत्र घोषित, कौन सा यूटी, कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित हो गया है, तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। उसके बाद है देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड। विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य कहाँ पर है? प्लेटिपस अभयारण्य विश्व का पहला ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ है? भारत का पहला मॉस गार्डन जो है वो नैनीताल उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हुआ वो कहाँ पर है? पाली जिला राजस्थान में, स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे, भारत का पहला प्राकृतिक, ठीक ध्यान रखोगे आप, नेचुरल आइस कैफे कहाँ है? लेह में, लद्दाख। आगे है भारत का पहला परागकण यानी पॉलीनेटर पार्क कहाँ पर है? भारत का पहला पॉलीनेटर पार्क परागकण पार्क है हल्द्वानी उत्तराखंड में। उसके बाद भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत हुई है, भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात में। ये ख़त्म होती है आपकी पूरी लिस्ट किसकी, 2021-22 की, भारत और विश्व में जो भी प्रथम है यानी फर्स्ट पर है। ठीक, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा आप चाहते हो, आप चाहो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ठीक, जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं और प्रमुख जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप लोगों को बताना है। ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाने वाली हूँ आप लोगों को। आप लोग अपना काम कर रहे हो ना यार? नहीं कर रहे ना, मुझे पता था आप लोग नहीं करोगे यार। कर दो ना, करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, इस फैमिली को बढ़ाओ यार। मतलब यूट्यूब पे आपने खुद देखा होगा कि ऐसे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिन पे इतने व्यू हैं, पूछो मत। और मतलब जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, ठीक है, उनका कंटेंट अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा है, उनको आप लोग पसंद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब गलत चीज़ें भी बता रहे हैं, उनको भी मैं देख रही हूँ बहुत सारा मतलब प्रमोट किया जा रहा है, फिर हम तो यार सही चीज़ें दे रहे हैं यार। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, उसको शेयर कर दीजिएगा, इस फैमिली को बढ़ाइए, या आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी, नहीं मने तो मत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।